के करनाल में खेलो इंडिया के कैंप के दौरान कर्णी स्टेडियम के शौचालयों से भारी मात्रा में इंजेक्शन और प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने प्रतिबंधित दवाइयों की डोज का मामला उजागर किया, जिसके बाद हरकत में आए खेल विभाग ने जांच कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि स्टेडियम में इन दिनों खेलो इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। फेंसिंग और नौकायान के करीब 40 खिलाड़ी कर्णी स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रही हैं। हम इस समय करनाल के कर्ण स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां खेलो इंडिया के कैंप जो हैं चल रहे हैं। यहां पर फेंसिंग और नौकायन के लिए जो खिलाड़ियों के लिए यहां कैंप चल रहे हैं, और लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर हैं वो अपने आप में गंभीर सवाल है, क्योंकि यहां के शौचालय में बड़ी संख्या में जो आपत्तिजनक इंजेक्शन और दवाइयां मिली हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो प्रतियोगिता में खिलाड़ी यहां पर शामिल होते हैं वो इस तरह की प्रतिबंधित दवाओं का इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के शौचालय से आप देख सकते हैं कि ये सीरिंज और दवाइयाँ जो हैं निकली हैं, और ये व्यवस्था है यहाँ की। और ऐसे ही हालात यहाँ के पूरे प्रांगण के हैं, कहीं पर भी आपको इस तरह की इंजेक्शन की खाली शीशियाँ सीरिंज मिल सकती हैं। अभी जो यहाँ के स्पोर्ट्स अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर आए थे और उन्होंने भी यहाँ जांच की है, उनके सामने ही ये सीरिंज की बड़ी एक खेप जो है निकली है कि किस तरह से यहाँ ये प्रतिबंधित जो है दवाई ली जा रही है, इंजेक्शन लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार जिस तरह की खेल प्रतिभाएं तैयार करना चाहती है कि अच्छे खिलाड़ी हरियाणा से निकलें, लेकिन और ये इस तरह के सीरिंज और इंजेक्शन मिलना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्या जो हमारे खिलाड़ी हैं वो इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल कर अपना प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं, क्या कहीं और कमी है, जो उनको कोच हैं जिनके ऊपर देख रेख का जिम्मा होता है वो अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभा पाते, क्योंकि जिस इस तरह से मामले उजागर होना प्रतिबंधित दवाओं के इंजेक्शन के अपने आप में एक बड़ा सवाल है इस तरह की प्रतियोगिताओं पर, इस तरह के आयोजनों पर, कि आखिर जो महकमे जिनकी जिम्मेवारी होती है वो यहाँ पर ये ध्यान क्यों नहीं रखते। हमने जो स्पोर्ट्स अधिकारी है उनसे भी बात की थी, उन्होंने खुद देखा आकर कि यहाँ पर क्या व्यवस्था बनी हुई है, उसके बाद उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है। दुआ साहब एक बार उनसे जान लेते हैं, दुआ साहब आप आए हैं, देखा है आपने क्या कुछ हालात है? हालात ठीक है, अभी मैं आपकी बात इसकी कमेटी बैठा के क्या कोच लाया, स्रिंग वगैरह मिली है जो बच्चों की मिली है एथलेटिक ट्रैक के नजदीक, तो उसको चेक करके कमेटी बैठा के इनको लेटर दूंगा कोचिस को, एथलेटिक्स होगी, बास्केटबॉल होगी, हमारे फुटबॉल होगी, जो नजदीक है इसके उनको लेटर। कितना गंभीर मानते हैं कि यदि खिलाड़ी इस तरह की इस्तेमाल कर बढ़ा रहे हैं, गलत है ये, गलत है बच्चों के लिए, गलत है ये, परफॉर्मेंस बढ़ानी नहीं चाहिए, अपने नेचुरल प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके बारे आगे के आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। देखा जाता है कि जिस तरह की मान लो ये आयोजन चल रहे हैं या जो छोटी प्रतियोगिताएं होती हैं खेलों की, उनमें डोप टेस्ट वगैरह नहीं होते, तो ये इस खिलाड़ी इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे तो क्या फेयर मानेंगे किस तरह के आयोजन? इसमें नहीं, परफॉर्मेंस बढ़ानी नहीं चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए इंजेक्शन। देखो डोपिंग का बैच होता है, खेलो इंडिया में चेकिंग होती है, डॉक्टर साहब बैठे होते हैं सारे, टोटल होता है। तो खेलो इंडिया का कैंप चल रहा है, यहाँ दो कैंप चल रहे हैं, पर इसका लिंक नहीं है, वो कनोई कैथर रोड पे ऊपर है, फेंसिंग का वो अंदर हॉल में है, इस वाले पे जो एथलेटिक्स फुटबॉल वॉलीबॉल और का ट्रैक है, इनके नजदीक वॉशरूम है, क्योंकि वो सारे वॉशरूम टूट चुके। ये कैसे पता लगाएंगे कि जो सीरिंज ये इस्तेमाल हुई है, दवाइयां जो ली गई हैं, कौन खिलाड़ी थे? इसकी चेकिंग करने के लिए एक आज से मैं एक कोचेस की ड्यूटी लगाऊंगा और ग्राउंड की सफाई कर्मचारी की ड्यूटी लगा दूंगा, कौन आ रहा है अंदर, कौन जा रहा है, कहां है, सबकी चेकिंग करके करो, क्योंकि सरकार देखिए पैसा खर्च कर रही है, एक खिलाड़ी को 400 रुपए प्रतिदिन डाइट के दी जा रहे हैं, तो क्या हमारे खाने में कमी है या खिलाड़ियों की मंशा में कमी? खाने में कोई कमी नहीं है, खाने में तो डाइट डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया दे रखे, चेक कर सकते हो आप प्रॉपर, 400 रुपीज बहुत होते हैं बच्चों के लिए। तो क्या इस तरह की दवाइयों के भरोसे खिलाड़ी परफॉर्मेंस देने के लिए आपने लगा रहे हैं, कहीं की आदत पड़ रही होगी, पर इसकी अब खिलाड़ी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, किया जाएगा वहां से, जैसे एमपी में जा रहे हैं आप कह रहे हो, एमपी में जा रहे हैं, वहां से पूरी चेकिंग होती है,
चेकिंग होगी, पूरी टोटल चेकिंग होती है उनके वहाँ। तो ये जिला खेल अधिकारी हैं अशोक दुआ, जिन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच करेंगे, कमेटी गठित की जाएगी, क्योंकि अपने आप में बड़ा गंभीर है। यदि खिलाड़ी इस तरह से अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित इंजेक्शन लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो खेलों की गुणवत्ता है, जो पारदर्शिता है, वो प्रभावित हो रही है। ऐसे में जांच के बाद ही खुलासा होगा कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस तरह से ये कर्ण स्टेडियम के अंदर ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।